बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शराज और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्किल्स ए एंड एस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मार्बल के जो पत्थर होते हैं, मार्बल की जो शीट होती है, उसको किस तरीके के साथ तराशा जाता है, उसको किस तरीके के साथ यानी कि उसके ऊपर उर्दू की लिखाई की जाती है। यानी कि आप देखते होंगे कब्रस्तानों में जाके ऐसी एक शीट लगी होती है, फिर आरामगाह वगैरह उसके ऊपर लिखा होता है, नाम वगैरह लिखे होते हैं, उसको किस तरीके के साथ लिखते हैं, किस तरीके के साथ उसको तराशते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस पूरा देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, एक मार्बल की प्लेन शीट लेते हैं, उसको अच्छे तरीके के साथ ऊपर से रेगमाल मारते हैं। रेगमाल मारने के बाद ऊपर एक सादा सा पानी फेंकने के बाद एक साफ़ कपड़े के साथ उसको साफ़ कर लिया जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो दोस्तों, ये भाई को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस है। नॉर्मल आपको मैं बताऊँ, जैसा कि हम अगर उर्दू लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं, अरबी में हम ज़ुबानी कोई चीज़ लिखें, हम ज़बर पेश वगैरह कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। माशाल्लाह, ये भाई माशाल्लाह इतना माइंड है इनका कि कंप्लीट जो है लिख लेते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद ज़बर पेश वगैरह ये चीज़ें डालते हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह टेक्निकल एक प्रोफेशनल काम है, इनका माइंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया था शीट, उसके बाद एक लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल जो ऐसे आप कहते हैं, उस तरीके के साथ इसके ऊपर एक निशान लगा लिया जाता है, एक स्केच रेडी कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी लिखाई कर ली जाती है, यानी कि एक आइडिया हो जाता है कि इधर इधर ये चीज़ लिखी जाएगी। तो जब आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर लिखाई माशाल्लाह शुरू कर देते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ ये भाई जो हैं इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो माशाल्लाह, ये मैं आपको बता दूँ कि इनकी शालमी चौक में दुकान है, इनकी दुकान का नाम है बाबू शाह मार्बल स्टोर। तो आपको मेरी वीडियो के कॉर्नर पे एक आखिरी आरामगाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको ये इनका कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर ब्लैक कलर का आपको शो हो रहा होगा। आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी आपने किसी भी किस्म की यानी कि कोई लिखाई, कोई मार्बल की शीट तैयार करवानी है कब्र के हवाले से, या कोई भी आपको यानी कि कुछ भी आपने राइट करवाना है इसके ऊपर, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप ऑर्डर के ऊपर यहाँ से चीज़ तैयार करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ काम करते हैं, इन्हें काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी इनके पास माशाल्लाह कस्टमर हैं। तो आप जहाँ जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर पर तैयार करवानी है, आप इनसे तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें, बहुत ही मुश्किल के साथ यानी कि हम एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं, लेकिन आप जब फीडबैक नहीं करते तो हमें बहुत बुरा लगता है। आप अगर वीडियो देखते हैं, कमेंट लाजमी किया करें, चाहे आप 5 मिनट 1 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि हम अप्रिशिएट होते हैं इस चीज़ को लेकर, हमें पता लगता है कि यार हम आपके लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर किया करें, ताकि लोग घर बैठे ऑर्डर पे चीज़ें तैयार करवा सकें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लिखाई जो है हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद लिखाई करने के बाद ये भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अब इसको जो कम्प्लीट जो 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 कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, अब इसको किस तरीके के साथ ये भाई तराशते हैं। ये थोड़ी सी लेंथी क्लिप है, ये आप ज़रूर देखिएगा किस तरीके के साथ इसको तराशा जा रहा है, कितनी बारीकी के साथ इसके ऊपर काम किया जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोफेशनल तरीके के साथ काम करते हैं। और आप बस कहीं भी बैठे हैं, आप वीडियो जो भी देख रहे हैं, आपने अगर कब्रिस्तान में तो यानी कि आपने तैयार करवानी आखिरी आरामगाह के हवाले से, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जैसा कि आप देखते हैं कब्रस्तानों में जाके कि कब्र काफ़ी उन्होंने तैयार की होती है, मार्बल लगा होता है उसके ऊपर, काफ़ी डिज़ाइनिंग की होती है, तो ये वो कम्प्लीट काम भी करते हैं। आप ऑर्डर के ऊपर कब्रें यानी कि अपनी डिज़ाइन करवा सकते हैं इनसे रब्ता करके। तो माशाल्लाह, ज़बरदस्त दोस्तों, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने यानी कि जो भी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको साथ ये वीडियो को शेयर किया करें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आप इस वीडियो का हवाला दे सकते हैं, उधर जाकर आप कह सकते हैं कि हमने वीडियो देखी थी, आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट रेट के ऊपर ये चीज़ बनाकर देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही बेनिफिट वाली बात है आप सबके लिए, कि आप अगर ये वीडियो का हवाला देंगे, आप ये कहेंगे कि हमने वीडियो देखी थी आपकी, तो आपको इंशाल्लाह ये डिस्काउंट के ऊपर यानी कि चीज़ तैयार करके देंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
तो चलिए दोस्तों, तब तक आप ये पूरा क्लिप देखें। तो जब अब जो नेक्स्ट स्टेप है, तब मिलते हैं आपके साथ।
तो ये देखें दोस्तों, कंप्लीट हो चुकी है हमारी जो प्लेट है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं। जब कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद यानी कि तराश लिया जाता है, तो इसके आप चारों तरफ साइड पर कटर के ज़रिए इसके बॉर्डर्स लगाए जाते हैं। चार लाइनें लगाई जाती हैं ताकि एक फ्रेम क्रिएट हो जाए। जब ये कलर करेंगे इसके अंदर तो आपको ये बॉर्डर्स शो होगा, आपको पता लगेगा कि एक फ्रेम बना हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ यानी कि यहाँ पे काम किया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये अब कटर के ज़रिए जैसा कि आप देख रहे हैं निशान लगा रहे हैं। तो निशान लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप, अब दूसरे भाई की तरफ ये प्लेट चली जाएगी। स्टेप बाय स्टेप यानी कि टीम वर्क में यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये देखें दोस्तों, अब जो है यानी कि आप देख रहे हैं जब उसको तराश लिया जाता है, तराशने के बाद अब इसके ऊपर कलर किया जा रहा है। अपने हाथों के ज़रिए अच्छे तरीके के साथ यानी कि कलर को अंदर जज़ब करते हैं ताकि जब ये लास्ट पे हम आपको लास्ट प्रोसेस जो दिखाएंगे, लास्ट पे ये ग्राइंडर मारेंगे ताकि आपको पता लगे कि कलर अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर चला गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, फिंगर के ज़रिए अच्छे तरीके के साथ ये इसको कलर को लगा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। जब मैं बना रहा था तब मुझे भी यानी कि इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी। माशाल्लाह बहुत ही मेहनत वाला काम है ये वीडियो। मिनिमम ही मैं आपको बताऊं तो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो क्रिएट हुई थी, जिसको मैंने कटिंग करके स्टेप बाय स्टेप एक 15 से 16 मिनट में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों काफ़ी लेंथी ये वीडियोस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। हर चीज़ ऐसे ही नहीं बन जाती, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं उसके। स्टेप बाय स्टेप टीम वर्क में यहाँ पर काम किया जा रहा है, हर बंदे का अलहदा अलहदा काम है यहाँ पर माशाल्लाह। और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के यानी कि सारे यहाँ पर लोग हैं, काफ़ी टाइम हो गया सबको यहाँ पर काम करते हुए। तो ये देखें दोस्तों, आपको बॉर्डर्स मैंने दिखाए थे, बॉर्डर्स पे भी उन्होंने रेड कलर लगा दिया है, अब नीचे उन्होंने ग्रीन लगा दिया है, ब्लैक, रेड और ब्लू, चार कलर इन्होंने माशाल्लाह इसके अंदर लगा दिए हैं। जब कलर कर लिया जाता है तो ये देखें ऊपर एक शॉपर में उन्होंने रखा हुआ है चमक, चमकीला सा, ठीक है। ये जब ऊपर कलर जब लगाते हैं उसके ऊपर ये हल्का फेंक देते हैं ताकि एक चमक आ जाए इसके ऊपर। अब इसको यानी कि सारों को इसके ऊपर यानी कि फेंकने के बाद जब ये ऊपर शाइनर ऊपर फेंक देते हैं फिर इसको धूप में रख दिया जाता है। धूप में दोस्तों इसको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो धूप में रखने के बाद भी हमने काफ़ी स्टे किया था वहाँ पे। तो ये देखें दोस्तों, धूप जो है कंप्लीट उन्होंने जब सूख जाती है उसके बाद इस तरह ऊपर एक ग्राइंडर लगा दिया जाता है इसके ऊपर। आप देख रहे हैं यानी कि ग्राइंडर लगा रहे हैं प्लेट ऊपर से, यानी कि जो रफ है जो वो उतरी जा रही है उसका, जो आप नज़र आ रहा है आपको। अब जो उन्होंने फिंग अपने हाथों के साथ कलर लगाया था, जो अंदर बिल्कुल डीप किया था, वो देखें, वो माशाल्लाह एक उर्दू माशाल्लाह खूबसूरत हैंड राइटिंग में यानी कि शो हो रहा है आपको माशाल्लाह। इस तरीके के साथ यानी कि यहाँ पर मार्बल की जो शीट्स हैं उन पर तराशा जाता है, उनको तैयार किया जाता है माशाल्लाह। ये बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो थी। तो जब ग्राइंडर कर लिया जाता है तो यहाँ पर लाकर इसको वॉश कर लिया जाता है। वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सा साबुन लगाया जाता है, साबुन लगाने के बाद हल्का सा धो देते हैं ब्रश मार के। तो उसके बाद माशाल्लाह दोस्तों ये जो है प्लेट जो है हमारी कंप्लीट रेडी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अगर आप ये चीज़ तैयार करवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप इन्हें रब्ता लाजमी करें दोस्तों। ये आपके लिए घर बैठे बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि घर बैठे आपको पता हो हर चीज़ का क्या रेट चल रहा है। तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें, आप ऑर्डर पर चीज़ तैयार करें। तो ये देखें दोस्तों, हमारी जो है प्लेट इस टाइम उन्होंने वॉश कर दी है। वॉश करने के बाद थोड़ी सी गीली है, थोड़ी खुश्क होती है, तो हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट जो प्रोसेस था वो डन हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी आप सबके लिए। तो ये देखें दोस्तों, हमारी जो है प्लेट बनकर माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। ये देख रहे हैं सामने आप भाई खड़े हैं, इनका नाम है रहील भाई, ये माशाल्लाह शॉप के यहाँ पर मालिक हैं। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि माशाल्लाह इनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।